नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल इथिक बॉस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आज बिल्कुल आप हटके बात कर रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं कि मैं SBI लाइफ के लिए भी काम करता हूँ और SBI लाइफ में आपके कोई भी पॉलिसी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ऐसे मैं जल्द ही शुरू करने वाला हूँ जो कि SBI लाइफ के अंदर जितने सारे भी पॉलिसी है वो पॉलिसी में क्या क्या है, कैसे उसका कितना प्रीमियम आता है, कितना टाइम जमा करना होता है, उसका मैच्योरिटी क्या होता है, ये सारे जो है कि मैं अपने इस चैनल पे लाऊंगा या हम अपने नए वाले चैनल पे लाएंगे, दो चैनल में से एक चैनल पे हम ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल स्मार्ट सोच हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके उस पर बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा ताकि उस पर हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मैं अभी जो है उस चैनल पे भी हमारा वीडियो आने वाला है और उस पे भी मैं एक अच्छे टॉपिक के तलाश में लगा हूं जो कि अच्छा टॉपिक आप लोग के लिए ही होगा। और जैसे तो चलिए हम ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज हम जानेंगे SBI लाइफ का जो है कि रिन्यूअल के बारे में कि हम बीमा करवा लेते हैं, हर किसी के पास से इंश्योरेंस होता है तो उसका रिन्यूअल कैसे करना है, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम जानेंगे इसमें आज रिन्यूअल करने के लिए। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं रिन्यूअल के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेक्निकल इथिक बॉस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दे ताकि हमारी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों हम आपको सिंपली एकदम बताएंगे कैसे कैसे करना है इसको। तो हम देखिए सबसे पहले जो है कि आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों से कर सकते हैं। मोबाइल से करने के लिए आपको वहां पे जैसे इस तरह का यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा तो यहाँ पे जाके आप उसको डेस्कटॉप मोड में कर देंगे, उसके बाद आपका बिल्कुल लैपटॉप की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों हम सीधा चलते हैं SBI। और देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं SBI लाइफ इंश्योरेंस लिख देना है, उसके बाद ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट पे आ जाएगा तो इस पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है दोस्तों कि आपको SBI लाइफ के पेज पे आप आ जाइएगा। अब जो है कि आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको पॉलिसी नंबर डाल देना है और डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और उसके बाद जो है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देना है। कहाँ से मिलेगा दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है कि हम यहाँ पे एक कस्टमर का हम यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले पॉलिसी नंबर डाल देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम देख लेते हैं। और इसमें आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजीली पेमेंट हो जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं इसमें होगा। तो चलिए हम इसका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसको कैलेंडर आता है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर यानी आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। और मोबाइल नंबर डाल दिए हैं उसके बाद जो है, और दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट फिल कर दिया है, पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मली सबमिट कर देंगे दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, एक्चुअली थोड़ा सा मेरे को मोबाइल से देखना पड़ रहा है किसी। और देखिए यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है उसका नाम आ चुका है, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी ड्यू डेट 20/9/2019 तक इसको प्रीमियम ड्यू डेट 20/9/2019 तक इसको पे करना था लेकिन लेट है तो प्रीमियम पेबली 12,447 में हमें पे करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, नेट बैंकिंग आपको मिल जाता है, अदर बैंक का नेट बैंकिंग, SBI का नेट बैंकिंग, अदर बैंक का नेट बैंकिंग, जियो मनी वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, अदर ई वॉलेट, काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों जो कि आप लोग के पास कुछ ना कुछ अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे फिलहाल अभी डेबिट कार्ड से पेमेंट करने वाले हैं, तो डेबिट कार्ड सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे जो है कि बिल्डिंग्स का हम कर लेंगे और बिल्डिंग्स करने के बाद हम यहाँ पे ओके कर देंगे। ये बिल्डिंग्स का ऑप्शन आप जैसे ही डेबिट कार्ड सेलेक्ट करिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों कि आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर यानी कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे कार्ड नंबर डाल देते हैं
और दोस्तों यहाँ पे मैंने सारा फिल कर दिया है। वहां पे जो है कि आपको एटीएम विद डेबिट पिन सेलेक्ट कर लेना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी नहीं आएगा। तो चलिए हम पेमेंट करके देखते हैं, मैक पेमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे नीचे में मैक पेमेंट आ रहा होगा, तो मैक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद जनरेट ओटीपी यहाँ पे मांग रहा है। तो चलिए हम रिक्वेस्ट ओटीपी कर देते हैं, और रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद यहाँ पे आप मोबाइल पे एक ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आपको वो ओटीपी डाल देना होगा। तो चलिए हम ओटीपी ले लेते हैं, उसके बाद आगे का हम प्रोसेस देख लेते हैं। मोबाइल पे ओटीपी आ चुका है, तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देते हैं। उसके बाद जो है ये और ओटीपी यहाँ पे फिल कर दिए हैं, उसके बाद हम यहाँ पे मैक पेमेंट करते हैं फिर वापस। तो हम चलिए यहाँ पे मैक पेमेंट पे क्लिक कर दिए हैं, और यहाँ पे जो है दोस्तों क्या आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेमेंट एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे हमें इसको प्रिंट कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है कि बहुत आसानी से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल इजी है दोस्तों। आपको कोई एजेंट या ऑफिस जाने का आपको कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो यही कुछ, और आपको इस तरह से कुछ रिसिप्ट उसका मिल जाएगा पेमेंट का, तो बहुत आसान है दोस्तों। अगर आपको कोई भी पेमेंट प्रॉब्लम आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।